अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोमल टीवी की जानिब से आए हैं यहाँ आपको देही ज़िंदगी के हवाले से दिखाने के लिए। हम बचपन में जब छोटे से थे तो ये पढ़ते थे, ये भोलू की लाल गाय हैं इसका बच्चा भी लाल है, ये भोलू की लाल गाय इसका बच्चा भी लाल है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं ये भोलू की लाल गाय। ये जो दूध है ये एक आम आदमी नहीं निकाल सकता, इसके लिए भी बड़ी जान जोखिम का काम होता है। ये गाय जो किसी को नज़दीक ही नहीं लगने देती। मुझे लगता है गधा गाड़ी है, ये शायद गधा गाड़ी है। अब वो जो है ना कल्चर ख़त्म होता है, बैलगाड़ी का वो जो है ना बड़ा दुख होता है कि बड़ा बैलगाड़ी ख़त्म हो गई। ये कपास के डंडिये हैं, इसमें से कपास निकाल के इसकी लकड़ियाँ जो है काट के लाते हैं। गांव में अमूमन गैस नहीं होती है तो ये काट काट के लाते हैं, ये इसको जलाने का काम है। इससे कागज़ भी बनता है इस लकड़ियों से। इसको पंजाबी में छिट्टी कहते हैं, हिंदी में वनातू कहते हैं। तो ये जलाने के बड़े अच्छा काम आती हैं। ये देखें ये कपास है, इसमें जो कपास ये निकलती है, ये कपास लगी हुई है। ये कपास चुनने वाली ख़वातीन होती हैं, वो ख़वातीन कपास जब चुन लेती हैं तो ये खाली लकड़ियाँ जो हो जाती हैं ये काट के ले आती हैं। इससे गैस भी बनती है, इससे खाना भी पकता है, बहुत उम्दा खाना पकता है। उपले भी कहते हैं पंजाबी में, इसको उपले कहते हैं, इसको सिंधी में छणा कहते हैं, पंजाबी में इसको उपले कहते हैं, बल्कि उर्दू में भी उपले कहते हैं गालबा। तो ये जलाने के बहुत अच्छे काम आती है। ये गांव में जहाँ गैस नहीं होती है अमूमन ये बहुत काम आती है। सिटी में भी गैस नहीं होती थी तो यही इस्तेमाल होते थे, ये इस्तेमाल होते थे, ये कपास की डंडियाँ ये इस्तेमाल होती थी। ये प्यार से जैसे कोई जो है ना ताज़ी दुल्हन आती है वो अपने सामान को जो है ना संभाल के रखती है कि भाई ये कोई आगे पीछे ना हो जाए। ये देखें गांव वालों की खासियत है। तो ये देखें कैसे उम्दा नमूने से इसको संभाल के इन्होंने इसको बिल्कुल सेटिंग के हिसाब से लगाया। पानी का निज़ाम है, नेवी निज़ाम जिसको कहते हैं, ये सबसे उम्दा है दुनिया में, सबसे उम्दा पाकिस्तान में निज़ाम है। ये देखें पानी कहाँ से आके और कहाँ जाएगा, ये ज़मीनों में जाता है पानी, इससे गंदम की फसल के लिए इंशाल्लाह जाए ये पानी जाएगा। इसके अलावा जो भी फसल ये मूली है, ये मूली जो है ना आपको मालूम है कि इसी मौसम में होती है। ये अभी हुई नहीं है, अभी जो ना ये जल्दी से हो जाएगी इंशाल्लाह। ये ज़मीन में से निकलती है, जैसे आलू हैं, मूली है, उसके अलावा जो ना एक दो और चीज़ें ज़मीन में होती हैं। ये सलाद के काम आती है, इसके अलावा बहुत से जो है ना दवाइयों के भी काम आती है। किसका बनता है, दवाइयों के भी काम आती है ये लीमू। इसमें लीमू लगे होते हैं, लीमू इंशाल्लाह जो है ना वो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, सलाद के लिए भी अच्छे होते हैं और वो हाजमे के लिए भी अच्छे होते हैं। लीमू कहाँ लगते हैं ये आपको दिखाएं, ये घास जो इनके जानवर उनके खाने के भी काम आएगी। और ये फालतू है, ये काट
पानी जो गंदम में ये लग चुका है, ये आप देख सकते हैं पानी यहाँ गंदम में लग चुका है। अब ये जो पानी ये बंद किया जा रहा है, देखें ये बंद किया पानी, अब वो गंदम में नहीं जाएगा पानी, क्योंकि इन्होंने इसको मकामी ज़बान में बन्ना, इसको बन्ना कहते हैं, बन्ना दे दिया है। इसको भूसा भी कहते हैं पंजाबी में, इसको तूड़ी कहते हैं। तो इसमें खड़ वगैरह मिला के ये दिया जाता है, तो वो दूध जो है ना बहुत गाढ़ा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जानवर दूध बहुत अच्छा देते हैं और गाढ़ा देते हैं, ज़्यादा दूध। बचता है बरसात से भी बचता है, और साल आ साल चलता है ये, साल आ साल नई फसल आने तक, ये अगर पीछे देखेंगे ये नई फसल आने वाली है, नई फसल आने तक ये ऐसे ही होगा, और नई फसल आने तक ये नया भूसा आ जाएगा, तो ये नया वो एक खड़ी जैसी बन जाएगी।